आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल या डी तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी ओमान, सी पाकिस्तान या डी ईरान। सही जवाब है ऑप्शन बी ओमान। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है ए अडानी ग्रीन, बी HPCL, सी IOCL या डी BPCL। सही जवाब है ऑप्शन सी IOCL। आपका चौथा प्रश्न है, किस कंपनी ने छोटे समाचार प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन है ए गूगल, बी एप्पल, सी सैमसंग या डी माइक्रोसॉफ्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए गूगल। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है? ऑप्शन है ए बारबरी, बी जमुनापारी, सी ब्लॉक बंगाल या डी बीटल। सही जवाब है ऑप्शन बी जमुनापारी। आपका छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार को गोला नदी में खनन कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी असम, सी उत्तराखंड या डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। सातवां प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है बताइए? ऑप्शन है ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी सीढ़ीवाचक वाक्य या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य। आपका आठवां प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए मेसर, बी रडार, सी लेसर या डी सोनार। सही जवाब है ऑप्शन डी सोनार। आपका नौवां प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए तकनीकी भाषा, बी काव्य भाषा, सी राष्ट्रभाषा या डी राजभाषा। सही जवाब है ऑप्शन बी काव्य भाषा। आपका दसवां और अंतिम प्रश्न है, एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है? ऑप्शन है ए माता, बी बहन, सी पत्नी या डी भाई। सही जवाब है ऑप्शन सी पत्नी।